एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वेव एंड लर्नर्स। आई एम आयुषा प्रेजेंटिंग यू द फोर्थ लेक्चर इन आवर ऑनगोइंग कोर्स ऑफ बीपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज। एंड इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार, इट्स मैपिंग एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टेट बिहार। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर हिस्ट्री सीरीज। लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री एंड देन वील मूव ऑन फर्दर टू मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्ट्री। चूँकि प्री हिस्ट्री इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बीपीएससी, क्योंकि बिहार के बहुत कम साइट्स ऐसे हैं जिससे प्री हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हिस्ट्री वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्री हिस्ट्री ओनली, ओके। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है प्री हिस्ट्री, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही रेयरली आपको प्री हिस्टोरिकल साइट्स या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। बट फिर भी हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से ही, ओके। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो तो विल स्टार्ट फ्रॉम प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री होती क्या है? तो प्री हिस्ट्री का कोई भी रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं मिलता है हमें, ना कोई लिटरेरी सोर्सेज, नथिंग एट ऑल। बट वॉट वी हैव विद अस इज ओनली एंड ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन सेंस मतलब जैसे केव्स हो गए, जैसे आपकी कोई टूल्स हो गए, ये सब जो हैं आपके ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स के जो पेंटिंग है वो मोनोक्रोम पेंटिंग जो है दैट इज़ ऑफ पैलियोलिथिक एज, ओके। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, लाइक उनके पेंटिंग से, वो जो डिपेक्ट कर रहे हैं वहाँ केव्स पे, उससे हम पता करते हैं कि वो कैसे क्या करते थे। लाइक उस पेंटिंग में हंटिंग है, गैदरिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए, लाइकवाइज ऐसे ऐसे ही पेंटिंग बनाए हुए हैं जिससे हमें उनके लाइफस्टाइल का पता चलता था, उस पीरियड के लाइफस्टाइल का, कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज। अब स्टोन एज क्या है? तो स्टोन एज आप नाम से जाओ, स्टोन एज, स्टोन का एज मतलब जितने भी उस समय के वीपन्स थे या जो भी यूज़ होते थे ना, वो सब स्टोन्स के बने होते थे, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि लाइक स्टोन एज वो मैन की ना एक्चुअली जर्नी है कि कैसे वो हंटिंग से फार्मिंग पे गया, देन फिर फार्मिंग से उसने नए नए टूल्स बनाए, टूल्स बनाने के बाद नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ की तरफ कैसे गए हैं वो लोग, और इन्हीं सब के बारे में पता करना, लाइक ये जो हिस्ट्री है इसी को हम स्टोन एज कहते हैं या प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और जितने भी टूल्स थे ना वो सारे बेस थे, स्टोन से बने हुए थे, ठीक है, ओके। नाउ हम एज देख लेते हैं, व्हाट आर ऑल द एजेस। तो सबसे पहले देखेंगे पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। दिस पीरियड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वैरी करता है थोड़ा थोड़ा हर जगह, आप किसी किसी बुक में देखोगे तो। तो आप बस ऑर्डर याद रखो कि पहले पैलियोलिथिक एज आता है, पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज, ठीक है। तो पैलियो, पैलियो मीन्स ओल्ड, ओके, पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडल एंड नियो मीन्स न्यू। तो ये जो तीन है ना, ये आपके स्टोन एज के हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आएगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। आई होप अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि ऑर्डर क्या है। नाउ फर्स्ट वी विल सी, एक चीज़ देख लेते हैं हम कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो आप ये एक बार देख लेना, वैसे नथिंग इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट फिर भी आप देख लेना कि क्या है। तो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, हाँ, पैलियोलिथिक एज, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। तो स्टोन एज में लाइक जो सबसे ओल्डेस्ट एज है ना, उसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और ये ना बिलोंग करता है प्लिस्टोसिन और आइस एज से। तो जब हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं ये सब भी आपको बताऊंगी कि आइस एज क्या था, प्लिस्टोसिन क्या था। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखो कि पैलियोलिथिक एज बिलोंग्स टू आइस एज और प्लिस्टोसिन एज। और फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे देखो पैलियोलिथिक से हम मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन सब में कैसे आएंगे, तो धीरे धीरे आइस एज जो है ना, आइस ड्यू टू टेम्परेचर जो थोड़ा पिघलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आइस एज से मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आते जाएंगे, और फिर वो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें हैबिचुअल
जिसके हम हैबिचुअल हो जाएंगे और जिसमें हम हैबिटेट जो है स्टार्ट कर सकते हैं. ओके और ये ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा. अब देखो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया. अब देखो हमारा प्लेन क्या होगा, हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, जो हमारा बिहार झारखंड या फिर यूपी इन ये सब एरिया किस में आता है, तो ये आपका गंगा प्लेन में आता है. तो अब जब आप यहाँ देख रहे हो कि लाइन ही है कि स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, तो इसलिए हम बिहार वाली हिस्ट्री में इसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं स्टोन एज को. ठीक है, जैसे बिहार वाली हिस्ट्री में हम आईवीसी वैदिक एज इन सबको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमेशा महाजनपदास एंड मगध डायनेस्टी से. ठीक है, और स्पीसीज यहाँ पे होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस क्या हो गए आपके, जब स्पीसीज जो है ना अपने दो पैरों पे खड़े होने लगे, मतलब इरेक्टस मीन्स सोचो आप इरेक्ट हो गए, मतलब सीधा खड़े होने लगे ना, तो वो वाले जो स्पीसीज थे वो हो गए आपके. यहाँ पे अब साइन लैंग्वेज चलता था. ठीक है, और अर्लीस्ट पीस ऑफ हैंड एक्स फाउंड इन इंडिया एट अतिरापक्कम इन तमिलनाडु. नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस. मोनोक्रोम पेंटिंग देख लो आप, तो व्हाइट कलर की होती थी. मोनोक्रोम मतलब क्या होता है, देखो मोनोक्रोम है, मोनो मीन सिंगल होता है ना, तो मोनोक्रोम पेंटिंग इज लाइक वन कलर का पेंटिंग, और वो जो कलर होता था वो व्हाइट था उनका. तो व्हाइट कलर कहाँ से आएगा उनके पास, लाइमस्टोन से आएगा व्हाइट कलर. और फर्स्ट एविडेंस इसका कहाँ मिला है, तो भीम बेट का. आपको मैंने बताया था भीम बेट का, यूपी में है, सॉरी एमपी में है. तो भीम बेट का से ही पहली मोनोक्रोम पेंटिंग की एविडेंस मिली है. नाउ पेलियोलिथिक एज को भी ना हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड न्यू पेलियोलिथिक. अब लोअर पेलियोलिथिक क्या है ना, ये सबसे पुराने वाली हैं. ठीक है, तो इसमें देखो कैसे कैसे टूल्स यूज़ होंगे, हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लेवर्स, ये सब यूज़ होंगे. और ये किस एरिया में मिलेगा आपको, तो बेलन वैली. बेलन वैली कहाँ है आपका, यूपी में. हुंसी कर्नाटका, सोहन वैली, पहलगाम, हिरन वैली. देखो जितने भी वैली है ना, आप ऐसे एग्जाम्पल में याद रख सकते हो कि अपर पैलियोलिथिक या फिर पैलियोलिथिक का ही एग्जाम्पल आप देख लो, तो दो चार जो जैसे आप याद रखोगे. तो अभी देखो मेंस में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, ऐसे बेलन वैली, सोहन वैली, हिरन वैली. तो ये तो आपको ऐसे ही वैली वैली याद हो गए ना. अब मिडिल पैलियोलिथिक पे आते हैं, जो पैलियोलिथिक के ही बीच वाला एज था. तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपके जो टूल्स है ना वो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. तो यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स, ठीक है, ब्लेड्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, ये सबसे. और सेम देखो ये यहाँ भी सोहन वैली है, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा, पुरुलिया, बीरभानपुर, ये सब एरिया हो गए. एंड देन वेलकम टू न्यू पैलियोलिथिक. अपर न्यू पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक कहते हैं इसे. ठीक है, और इसमें देखो अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस. ठीक है, क्योंकि कंपेरेटिवली वार्मर क्लाइमेट आ जाएगा. मैंने आपको बताया था ना कि आइस एज से फिर धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल होता जाएगा और आइस एज के कंपेयर में और बहुत वार्मर क्लाइमेट हो जाएगा. तो इसके बाद यूज़ ऑफ बरियल्स और स्क्रेपर्स होने लगे. अब यहाँ देखो न्यू पेलियोलिथिक या अपर पेलियोलिथिक है ना, ये आपके बिहार में भी मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा. ठीक है, बिहार में ये आपके कहाँ मिलेगा, तो सदर्न बिहार. और सदर्न बिहार मतलब आप कह लो कि ये झारखंड वाला एरिया है. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ बिहार. साउथ बिहार मतलब पहले तो झारखंड इज पार्ट ऑफ बिहार ना, सॉरी बिहार इज पार्ट ऑफ झारखंड इज पार्ट ऑफ बिहार. तो जो साउथ बिहार है वो आपका झारखंड ही होगा. एंड भीमबेटका. नाउ कमिंग टू मेसोलिथिक एज. अब मेसोलिथिक एज पेलियोलिथिक एज के बाद आएगा मेसोलिथिक एज. एंड मेसो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक यू नो लिथिक का मतलब होता है क्या, ऊपर बताया था ना मैंने आपको, आप भूल चुके हो. देखो लिथिक का होता है मतलब स्टोन और पेलियो मीन्स ओल्ड, तो वैसे ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेसो मीन्स मिडिल या इंटरमीडिएट एंड लिथिक मीन्स स्टोन. ओके, तो अब इसको को कहते क्या है, तो इंटरमीडिएट स्टोन एज कल्चर. और इसमें अब देखो अगर हमें एक वर्ड में कोई बोले कि डिफाइन करो आप पेलियोलिथिक को कैसे करोगे, तो एक वर्ड में अगर पेलियोलिथिक को डिफाइन करना है तो इसमें आप लिखोगे स्टोन टूल्स. ठीक है, इफ़ यू विल राइट स्टोन टूल्स ना, तो ये अपने आप में ही पैलियोलिथिक को डिफाइन कर देगा ना. अब अगर हम बोलें कि मेसोलिथिक को एक वर्ड में डिफाइन करो, तो यहाँ आप लिखोगे माइक्रोलिथ्स. ठीक है, माइक्रोलिथ्स. और एक और चीज़ लिख सकते हो, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. ओके
तो जैसे हमने पेलियोलिथिक को किया था, किसे डिफाइन किया था? पेलियोलिथिक को किया था स्टोन टूल से डिफाइन, तो वैसे ही मेसोलिथिक को करेंगे माइक्रोलिथ से, ठीक है? तो माइक्रोलिथ उस समय का सबसे प्रोमिनेंट जो है वो टूल था। ये एरो टूल होते थे जो 5 सेंटीमीटर के अबाउट का साइज का होता था, और इसके एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले, तो आपके बागोर के राजस्थान से मिला है, ठीक है? और यहाँ मेसोलिथिक एज में ही सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में सबसे पहला एनिमल कौन सा था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, तो वो था आपका डॉग, ठीक है? और ये आदमगढ़ एक जगह है एमपी में, नॉट आजमगढ़ यूपी वाला, ओके? ये आदमगढ़ है जो कि एमपी में है, ठीक है? तो वहाँ से फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल है ना, जो डॉग था, उसका एविडेंस मिलता है। अच्छा, तो ये बताओ कि सबसे पहले वर्ल्ड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का कहाँ मिलता है हमें एविडेंस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बोन ऑर्नामेंट्स थे, पेंटिंग। अब देखो, पेंटिंग हमने क्या देखा था, पेलियोलिथिक एज में मोनोक्रोम पेंटिंग थी, ठीक है? सिर्फ व्हाइट कलर का। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि मोनोक्रोम और पॉलीक्रोम दोनों हो जाएंगे। अब एक कलर से इंसान दूसरे कलर पे तो आएगा ना, तो व्हाइट, रेड, ग्रीन, ये 3 कलर्स के जो हैं पेंटिंग हमें दिखने लगे। और यही सेम भीमबेटका केव्स में भी हमें मिलेगा सीन्स। देखो, मैंने आपको बताया था हंटिंग, फिशिंग, हनी कलेक्शन, फैमिली, बरियल सीन्स, ग्रुप डांसिंग, इन सब के सीन्स थे। तो वहाँ की जो वो किस चीज़ की पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग तो लोग अपने ही लाइफ का बनाते हैं ना, कि मतलब आप लोग जो कर रहे हो या जो देख रहे हो उन्हीं सब का पेंटिंग बनाते हैं। नाउ कमिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट देखो होलोसीन वाला है। यहाँ मैंने आपको बताया था ये कौन सा एज था, ये देखो प्लेस्टोसीन बोला था ना। तो नाउ मेसोलिथिक जो है वो आप याद रखना, ये क्या है आपका, ये है आपका होलोसीन, ठीक है? अब हम आते हैं किस पे, नियोलिथिक एज पे। तो नियोलिथिक एज जो है वो आपका, न्यू मीन्स न्यू, ठीक है? न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो न्यू स्टोन एज हो गया ये आपका, ठीक है? और ये कब स्टार्ट हुआ, तो 9000 BC से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, और इंडिया में 7000 BC से। तो हमारे यहाँ और एविडेंस सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज ए एरिया इन पाकिस्तान रीजन, ठीक है? तो अब इसको जॉन लुबोक ने ना सबसे पहले कॉइन किया था। और अगर नियोलिथिक को आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो इसका एक वर्ड है एग्रीकल्चर, ठीक है? तो मैंने आपको तीनों को एक एक वर्ड में डिफाइन करवा दिया। जैसे पेलियोलिथिक एज है उसको आप किसे करोगे, तो स्टोन टूल्स। मेसोलिथिक एज है उसको कैसे करोगे, तो उसको माइक्रोलिथ्स या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कुछ भी आप देख लो। अब तीसरा जो है वो आपका नियोलिथिक है, और नियोलिथिक को हम बस एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो एग्रीकल्चर, ठीक है? तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था आपका नियोलिथिक एज से। और सबसे पहला जो सीरियल था जो वहाँ पे कल्टिवेट हुआ था वो था बार्ले, ठीक है? और भी अलग अलग सीरियल्स थे जिसके एग्जाम्पल्स, सॉरी, जिसके एविडेंस हमें मिले हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, रागी हो गया, कुल्थी हो गया, ये सब जो थे इन सब के भी एविडेंसेस मिले हैं। और जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है ना, वो भी हमें मेहरगढ़ में ही मिला है। देखो, मैंने बताया था ना आपको कि नियोलिथिक एज का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ में, और उसी में एग्रीकल्चर का भी वहीं पे हमें पहला एविडेंस मिला है जो कि मेहरगढ़ में। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नियोलिथिक एज ही वो एज था जहाँ से लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि पोटरी, पोटरी भी स्टार्ट हुई थी नियोलिथिक एज से। जो पोटरी होती है ना, पोटरी लोग पहले के टाइम में लोग पोटरी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, लाइक कुछ सामान रखने के लिए है, या फिर पानी के लिए है, या अलग अलग चीज़ों के लिए। तो पोटरी भी सबसे पहले हमने यहीं पे देखा था, और ये भी यूपी में देखा था। अब देखो, हर चीज़ आप यूपी में देखोगे। राइस का ओल्डेस्ट एविडेंस आपको यूपी में मिलेगा, पोटरी का ओल्डेस्ट एविडेंस आपको यूपी में मिला है। अब ना वो देखो क्या क्या यूज होते थे टूल्स, तो हैंड एक्सेस, सिकल्स, ये सब यूज होते थे, ठीक है? अब देखो, पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा था मेसोलिथिक एज में। नियोलिथिक में हमने क्या देखा ना, कि नियोलिथिक में एक जगह है आपकी बुर्जहोम कश्मीर में, वहां हमने देखा कि जो मास्टर्स होते थे ना, और उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, मतलब जैसे डॉग, डॉग को अगर डोमेस्टिकेट किया ना,
तो मास्टर और डॉग को ना एक ही जगह बरीड देखा था, देखने का एविडेंस मिला है, मतलब एक ही जगह बरीड हुए हुए एविडेंस मिला है वैसा हमें देखने को। तो इसके साइट्स क्या क्या हैं, तो देखो साइट्स हैं कश्मीर के गुफकराल, बुर्ज होम, ये सब हो गया आपका। उसके बाद ये आपके नॉर्थ ईस्ट में भी है, मेघालय में गारो हिल्स में। उसके बाद मस्की ब्रह्मगिरी आपके कर्नाटक के एरियाज हो गए, देन आंध्रा और तमिलनाडु का भी एरिया। अब बिहार का आप देखो, यहाँ चिरंद है, यहाँ बिहार के ना दो एरिया हैं जो आपके नियोलिथिक साइट्स में, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लो, चिरंद और चेचर, ठीक है। ये जो चिरंद और चेचर है, ये दोनों एरिया जो है ना, ये आपके नियोलिथिक साइट्स हैं बिहार के, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से साइट हैं जो नियोलिथिक साइट्स हैं बिहार के, तो वो है चिरंद एंड चेचर। और फिर आगे चलो, ये नियोलिथिक साइट तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, आप देखो सबसे पहले पेलियोलिथिक साइट हमने डिस्कस कर लिया है, मेसोलिथिक नियोलिथिक भी कर लिया। अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक एज पे, तो आपका जो चैल्कोलिथिक एज है ना, वही आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहलाती है, ठीक है। देखो अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ, तो जो चैल्कोलिथिक एज थी ना आपकी, तो जब हमारे यहाँ चैल्कोलिथिक एज चल रहा था, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज चल रहा था, तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा था, ठीक है। लाइक ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी आप फॉर नॉलेज ये बात पता रखो कि जैसे अगर आपको पता है कि हाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो बाहर क्या हो रहा है ये भी पता रखना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना, सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये सबसे एंशियंट है। जब हमने स्टार्ट भी नहीं किया था तो इनका ये हमसे पहले से स्टार्टेड है, ठीक है। और ये कौन सा एरिया आपका, मेसोपोटामिया एरिया जो है ना, ये आपके सेंट्रल एशिया में आता है, ठीक है, जो आपका ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, टर्की, ये वाले जो एरिया है ना, ये आपके आते हैं मेसोपोटामियन में, ठीक है। और रिवर क्या है आपके, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर। अब देखो कोई भी जो सिविलाइजेशन बचती है ना, बसती है कहीं पे, सॉरी बचती नहीं, बसती है कहीं पे, तो वहाँ पे ना आप देखोगे कि रिवर होता ही होता है, क्योंकि रिवर क्या करेगा ना आपका, देखो पानी, सबसे पहले पानी इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। उससे रिवर क्या करती है, आपको फर्टाइल लैंड देती है, ठीक है, रिवर होगा तो रिवर बेड पे फर्टाइल लैंड होगा, फर्टाइल लैंड होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर अगर अच्छा हुआ, तो अगर आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो है आप प्रॉस्परस हो जाओगे, आपका सिविलाइजेशन बहुत प्रॉस्परस हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जितने भी सक्सेसफुल सिविलाइजेशंस है ना, वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के आसपास ही मिलेंगे आपको। तो जो मेसोपोटामियन है वो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर है, और इसका पहला एविडेंस भी मिला है रिटन लैंग्वेज एंड रिलीजन का, फर्स्ट कमर्शियल बैंकिंग एंड मिंट कॉइन्स, ये कॉइन्स भी मिंट किए हुए हैं, कमर्शियल बैंकिंग भी, और बहुत सारे स्टैचूज भी वगैरह मिले हैं। अब सेकेंड आपका आ जाते हैं, जो सेकेंड एंशियंट है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपके कौन से रिवर के पास होगा, देखो मैंने बोला था ना कि जो भी सक्सेसफुल सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे ना, तो वो हमेशा आपको किसी ना किसी रिवर के बैंक्स पे मिलेगा, तो ये है इंडस रिवर के, ठीक है। और कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये आपका इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का एरिया कवर करता है, ठीक है। मान लो जैसे देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मान लो कि ये, सॉरी मैं मैप में उतनी अच्छी हूँ नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। ये आपका इंडिया है, ओके, देन ये आपके पाकिस्तान का एरिया हो गया, फिर ये अफगानिस्तान का एरिया हो गया, इधर सी इधर आपका आ गया ईरान, इराक, फिर सीरिया, टर्की आता जाएगा ना। तो जो ये वाला एरिया होगा ये आपका मेसोपोटामियन एरिया है, और जो ये वाला एरिया है इंडिया का, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, ये आपका इंडस वैली का एरिया हो गया, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका इंडस वैली है, ये आपका मेसोपोटामियन का एरिया है ना। दो और उस टाइम के प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन हम देखेंगे, वो है चाइनीज और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइना का आपको पता है, ये आपके येलो रिवर के बैंक पे है, ठीक है, येलो रिवर को हुआंगो भी कहते हैं,
और यहाँ का जो ये यहाँ का जो सिविलाइजेशन था ना वो मोस्टली डेवलप, मतलब मोस्ट डेवलप्ड था। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है ना वो बहुत फर्टाइल सॉइल थी, और अगर सॉइल फर्टाइल है तो बहुत रिच होगा एग्रीकल्चर, वहाँ का हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर होगा। और इनके जो ब्रॉन्ज की क्वालिटी थी ना वो भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वालिटी से बहुत बेटर थी। अब जब हम इजिप्शियन में आते हैं तो ये नाइल रिवर है, देख लो, ठीक है। और नाइल रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये आपकी सूडान से होती है, ठीक है। अब देखो, अब नाइल रिवर में भी देख लेना कि नाइल रिवर जो है वो जब ओरिजिनेट होती है ना, तो फिर नाइल रिवर डिवाइडेड इनटू ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल, ठीक है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो आप देख लेना कि कहाँ से कौन सी ओरिजिनेट होती है और किधर किधर जाती है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको आज जाकर नाइल रिवर देखनी है कि कैसे है। और फिर सहारा डेजर्ट, ओएसिस, डेट पाम एंड कल्टिवेशन होते थे यहाँ इजिप्शियन में। और जो आप पिरामिड, ममी, ये सब देखते हो ना, ये वही इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ही आप एग्जाम्पल देख रहे हो। तो अब देखो, थोड़ा हम इंडस वैली देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसको हरप्पन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन फेज था ना नियोलिथिक से ब्रॉन्ज एज की तरफ जाने का, उसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या चालकोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्या क्या सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब मिलेंगे, कॉपर स्मिथ, आइवरी, ये लाइम मेकर्स, टेराकोटा, पॉटरी। अब देखो, पहले पॉटरी क्या थी ना आपकी, पहले पॉटरी थी आपकी, बस पॉटरी हो रही थी, ठीक है, प्लेन पॉटरी थी। अब इसमें थोड़े डिजाइनर पॉटरीज आएंगे, कलर चेंज होगा और लोगों का ऑक्यूपेशन फार्मिंग होगा, फार्मिंग के साथ ट्रेडिंग भी करेंगे हम लोग। क्योंकि आप देखोगे कि जो भी इंडस वैली की साइट्स है ना, तो उसमें मोस्टली जो साइट्स है ना वो आपके पोर्ट एरियाज हैं। और पोर्ट एरियाज हम कब प्रेफर करते हैं? जब हम ट्रेडिंग करते हैं एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आपकी 2020 में न्यूज़ में रही है, ठीक है, कि कोडुमनल एक्सकेवेशन ये इरोडे तमिलनाडु से हुआ है, जहाँ पे हमें दिखा कि आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो मेगालिथिक कल्चर में मिला है, कि बाउल जो है ना फिल्ड विथ ग्रेन्स मिले हैं बॉडी के साथ बरीड। क्यों? क्योंकि मे बी वो लोग ऐसा कुछ आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट रखते होंगे कि मरने के बाद जो दूसरी लाइफ होगी तो उसमें उन्हें जो है खाना पीना ये सब एंड ऑल दे के भेज रहे हैं। अब हम दूसरा देखेंगे आपका टाउन प्लानिंग, ओके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पहले टाउन प्लानिंग से ना हम एक पहले हम लोग एक दो वो देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से साइट्स थे, ठीक है। तो आपके हड़प्पा था एक पहला, ठीक है, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो था, देन आपके आपका आ जाएगा लोथल ले लो, ठीक है, कालीबंगन एंड बनावली, मिठाटल, राखीगढ़ी, बरोर, मांदा, रोपर, अमरी, एक्सेट्रा। अभी तो और भी बहुत सारे हैं, बट ये आप देख लो, कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हैं वो एक बार देख लो। तो जैसे इसमें और भी आ जाएंगे, धोलावीरा, ठीक है, और बाबरकोट, बरागाँव, उलास, ठीक है, ये सब आपके मतलब इंडस वैली के साइट्स थे। तो इसमें देखो, देखने का चीज़ बस एक आपको चीज़ याद रखनी है, जो मैं अभी आपको कहाँ देखो, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्थ साइड है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट आपका जो इंडस वैली का साइट है वो है आपका मांदा। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है आपका आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है? ये है आपके यूपी में। एंड जो सदर्न मोस्ट है वो है दायमाबाद, और दायमाबाद कहाँ है? वो है आपके महाराष्ट्र में। एंड जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है आपका
सुक्ता गेंडोर, ये आपके पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट इंडस वैली के साइट्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट है आपका मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सदर्न मोस्ट दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। तो देखो, ऊपर याद रखो, ऊपर क्या है मांडा, नीचे क्या है दैमाबाद, एंड उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी का, और नॉर्दर्न मोस्ट जो है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट, हाँ वेस्टर्न मोस्ट जो है वो सुकता गेंदौर है, वो पाकिस्तान है, ठीक है। ये हो गया आपके कुछ हैं, जैसे आप हड़प्पा देख लो, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्यों, हड़प्पा से हमको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे ना 6 ग्रैनरीज मिली थी एक ही रो में, ठीक है। ग्रैनरीज होती है जैसे आपका, जहाँ पे ग्रेन को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, जैसे आपका गोलघर है ना पटना में, वैसे ही उस टाइम पे सोचो ये लोग इतना विजनरी थे कि उस टाइम पे इन्होंने ग्रैनरीज बना ली थी। उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत बार फ्लड आई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट बात है, ग्रेट ग्रैनरी है, डांसिंग गर्ल है, स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन मिला है, और सील्स मिले हैं पशुपति के, ठीक है। सील्स क्या होते हैं ना, तो सील्स जैसे अभी हम रुपीज यूज करते हैं ना ट्रेड करने के लिए, मतलब ट्रेड जैसे पहले होता था बार्टर सिस्टम की, कमोडिटी के बदले कमोडिटी दो, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे ये दो, बदले में ये ले लो। लेकिन फिर धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ, तो हम लोग उसमें कौड़ीज लाए हैं, फिर पैसे लेके आए, फिर कॉइन्स, फिर अब तो हम करेंसी यूज़ करते हैं। तो उसी तरह ना सील्स होते थे उनके, तो सील्स जो होते थे वो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। प्लस सील्स के और भी बहुत यूज़ थे, जैसे ऑर्नामेंट्स की तरह भी वो उसे पहनते थे, एम्यूलेट्स की तरह पहनते थे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे सील्स के बारे में भी इनकी। उसके बाद और जैसे लोथल आपका हो गया, लोथल आपका एक पोर्ट था जो कि आपके गुजरात में मिलेगा, ठीक है। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। धोलावीरा जो है वो आपका वहाँ पे आपका वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा सा सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। बाबरकोट आपका कहाँ पे हो गया, सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, वहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन देखने को मिलता है, और स्टोन का फोर्टिफाइड वॉल भी देखने को मिलता है आसपास, ठीक है। तो यही सब हो गया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले टाउन प्लानिंग देखेंगे। तो जो टाउन प्लानिंग है ना, तो टाउन प्लानिंग इनकी ना बहुत अच्छी थी, ये हम लोग अभी उतना नहीं करते हैं जितना इन्होंने कर रखा था। देखो, ये ऐसे ग्रिड सिस्टम में बनाते थे, एक घर यहाँ बनेगा, एक घर यहाँ बनेगा, फिर एक घर इनका यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे ये ग्रिड सिस्टम में घर बनाते थे। और रेडियल स्ट्रीट होता था जो 90 डिग्री पे कट करता था एक दूसरे को, ठीक है। और सिटी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे, जैसे देखो ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ना, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है इनका कि ये बर्न ब्रिक यूज़ करते थे, ठीक है। जितने भी ब्रिक्स यूज़ करते थे ना, वो बर्न ब्रिक्स थे, सॉरी। हाँ, और लैम्प पोस्ट भी होते थे, मैन होल भी, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। और हर एक घर में ना इनके कोर्टयार्ड होता था, और वॉशरूम होता था, मतलब बाथरूम होता था। सोचो कि ये लोग उस टाइम में इतने एडवांस थे कि एकदम रेडियल स्ट्रीट बना रहे हैं, ग्रिड सिस्टम में घर बना रहे हैं, घर में वॉशरूम है। इनके जो गेट्स होते थे वो बहुत, विंडोज़ कम होते थे, गेट्स ज़्यादा होते थे, और वो भी हमेशा ना पीछे की तरफ खुलते थे घर के, ठीक है, ताकि आगे से कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद हम एग्रीकल्चर में देख लेते हैं, तो फर्टाइल रीजन था। फर्टाइल रीजन क्यों था, तो इंडस के जितने ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर है, उसके कारण यहाँ पे रेनफॉल अच्छी थी, तो वो रेनफॉल से रिच वेजिटेशन हो रहा था, तो और रीजन भी फर्टाइल था। उसके बाद क्या क्या उगाया जाता था, तो बार्ले बताया था आपको न्यूलिथिक एज में ही, कि सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर का जो एविडेंस मिला है फर्स्ट सीरियल का, वो बार्ले था। तो यहाँ भी सबसे पहले देखो आपको बार्ले मिलेगा, फिर वीट, राइस, मस्टर्ड, पीस, यही सब मिलेंगे। और ये लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे, ये सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, और कॉटन को सिंडॉन भी कहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमारा जो ये एरिया है ना, जिस जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था उस टाइम का, उसको हिंडॉन कहते थे, ठीक है। अब दे सो सीड्स इन द फ्लड प्लेन्स इन नवंबर एंड रीप्ड इन अप्रैल, ठीक है।
सीरियल्स को ही टैक्सेस के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, या पेमेंट देना होता था, वेजेस देना होता था, तो उसमें भी सीरियल्स ही यूज़ करते थे। इनका वाटर रिजर्वायर का भी सिस्टम अच्छा था कि कंजर्व करते थे वाटर को। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे, ठीक है। तो देख लेना आप कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, जैसे डॉग, कैट्स, ऑक्सन, बफेलोज, ये सब हैं। हॉर्सेस का डाउटफुल है, बट अब कंफर्म मिला है कि हाँ, सुरकोटाडा में, हाँ सुरकोटाडा में कुछ रिमेन्स मिले हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट देखेंगे हम। तो टेक्नोलॉजी देखो, इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं ना, तो ब्रॉन्ज किससे बना होता है, तो ब्रॉन्ज टीन एंड कॉपर से बना होता है, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज है ना, इसमें हम कॉपर कहाँ से लाते थे, तो कॉपर हम लाते थे खेतरी माइन राजस्थान से, और टीन कहाँ से लाते थे, तो हम अफगानिस्तान से। अब देखो, टीन आपका इधर से आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया हो गया। तो यहाँ से आपको टीन मिल रहा है, यहाँ से आपको कॉपर मिल रहा है, ठीक। तो आप ब्रॉन्ज बनाओगे ही, ठीक है। तो जितने भी टूल्स बनाओगे आप, वो ब्रॉन्ज के बनाओगे, ठीक है। तो हो गया। एंड और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स थे जो लोग करते थे, जैसे कॉटन को वोव करते थे, टेक्सटाइल इंप्रेशंस थे, ब्रिक लेइंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैनुफैक्चर, बीड मेकिंग, गोल्डस्मिथ, पोटरी, ये सब करते थे। तो अब देखो, पोटरी के बारे में हमने पहले देखा था ना न्योलिथिक एज में, कि पोटरी स्टार्ट हुई थी। तो पोटरी जो थी ना, वो बहुत प्लेन एंड पेंटेड होता था। जो प्लेन पोटरी होती थी वो आपकी रेड कलर की होती थी, और जो पेंटेड पोटरी होती थी वो आपकी रेड एंड ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है। और जो प्लेन रेड है ना, वो बहुत कॉमन पोटरी थी, ठीक है। और ये इसका ना एक ग्लेज्ड कलर आता था, ठीक, जो कि ये मतलब अपने आप में ही वन ऑफ द काइंड था, ठीक है, कि इतनी ग्लेज पॉटरी हमें और किसी सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिली थी। और बहुत सारे मतलब इसको डेकोरेट करते थे ये लोग, बहुत छोटे छोटे फिगर्स बना के उस पे अलग अलग चीज़ों का, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो गया। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, और बॉस्ट्रोफेडोन कहते हैं। अब ये लोग जो थे ना, जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट थी ना, वो राइट टू लेफ्ट थी, ठीक है, ये आप याद रखना, क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी। जैसे अभी हम लिखते, तो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, तो हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी, वो राइट टू लेफ्ट थी। अगर ये इधर से एक साइन बना रहे हैं, फिर इधर से कुछ बना रहे हैं, फिर इधर से ये ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। एंड देन ये देखो, ये ऐसे फिर यहाँ से नीचे नहीं बनाते थे, ये इसी अल्टरनेट वे में फिर इधर आगे चलते जाएंगे, फिर इधर से इधर चलते जाएंगे। तो इसी ये जो पैटर्न है ना, इसी को कहते हैं बॉस्ट्रोफेडॉन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में रहे कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट कैसी थी, तो वो बॉस्ट्रोफेडॉन थी, ठीक है। बॉस्ट्रोफेडॉन होता क्या है, तो राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइंस। और इसमें बहुत सारे कॉमन सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे साइंस थे, ऑलमोस्ट 400 to 600 के बीच में, जिसमें से 40 to 60 बेसिक थे, बाकी सब रिपीटेड होते रहते थे ऐसे ही। और अभी तक इसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, ये अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है। उसके बाद इमेज एंड स्टेच्यूज देख लेते हैं। तो ब्रॉन्ज इमेज मिला था हम एक डांसिंग गर्ल का तिभंगा स्टाइल में मोहनजोदड़ो से। उसके बाद बियर्डेड मैन का स्टोन इमेज मिला था, स्टीएटाइट का। और फिर हमें रेड सैंडस्टोन का एक मेल टॉर्सो भी मिला था, ब्रॉन्ज बुल मिले था, मदर गॉडेस मिली थी। अब देखो, ये जो सील मैंने आपको बताया था कि सील यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए, एज ऑर्नामेंट और एज एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स क्या होता है ना, कि जैसे अगर नज़र वज़र ना लगे इसके लिए, जो कुछ कुछ मतलब वो लोग ऐसे बोलते थे कि सील्स पहन लो तो नज़र नहीं लगेगी, मतलब एज एम्यूलेट्स भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब सील्स में ना, एक सील जो बहुत कॉमन सील था, जो बहुत फेमस सील हमें मिला है, वो है आपका पशुपति सील। और पशुपति सील जो है ना, उसमें हमें पांच पांच जानवर मिले, मतलब हाँ पांच जानवर मिले हैं। कौन कौन से आपके, टाइगर मिला है, एलिफेंट मिला है, दो एंटीलोप या डियर मिले हैं बीच में, फिर राइनो और बफेलो। देखो ये ऑर्डर में ही है, तो आप ऐसे याद कर लो, टियर लेफ्ट साइड में क्या थे, तो टाइगर और एलिफेंट, राइट साइड में राइनो एंड बफेलो, और बीच में दो एंटीलोप बैठे हुए थे, ठीक है। और स्वास्तिका का भी डिजाइन मिलता है। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि उस समय तक हमें कोई भी एविडेंस काउ का नहीं मिला है सील्स पे, ठीक है।
गोल की भी सील होती थी, आइवरी की भी होती थी, और मोस्ट कॉमन जो सील थी वो दैट इज ऑफ एस्टिएटाइट, ठीक है, और रेस्ट जो थे अगाते, चेस्ट, कॉपर, ये सब के भी थे, ठीक है, टेराकोटा। चलो तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में हम भी जाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है टॉपिक, वो है आपका वैदिक पीरियड, ठीक है। तो वैदिक पीरियड को जैसे इंडस वैली का जो डिक्लाइन हुआ है ना, उसके लिए हमने बहुत सारी, मतलब ऐसे बहुत सारी थ्योरीज प्रेजेंट की जाती है, लाइक कि फ्लड में बह गया, या फिर आर्यंस आए तो उन्होंने वॉर किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे ही जैसे इंडस वैली के डिक्लाइन के बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वैसे ही आपके वैदिक पीरियड जो है उसका जो क्या कहते हैं, वो वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हो रही है तो उसके भी बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारा ओरिजिन थ्योरी है इसका भी, कि कैसे ओरिजिनेट हुआ है वैदिक पीरियड। तो हम पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक पीरियड को ना दो पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। देखो इसका आप ईयर याद कर लो, ठीक है, 1500 to 600। 1500 ये आपका BC है, 600 आपका AD है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 1500 to 1000 ये आपके BC में रहेगा, और 1000 BC to 600 AD, ठीक है, ये ईयर आप याद कर लेना। तो ये दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, एक अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब हम ओरिजिन थ्योरी देख लेते हैं कि ओरिजिन थ्योरी क्या है। तो ओरिजिन थ्योरी जो सबसे पहले देखते हैं हम, वो है यूरोपियन थ्योरी। तो सर विलियम जोन्स थे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि सर विलियम जोन्स कौन थे, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि सर विलियम जोन्स कौन थे, अगर नहीं पता है तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास तक का वेट करो, क्योंकि वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप देखो कि यूरोपियन थ्योरी जो दिया था ना, कि आर्यंस जो है वो यूरोप से आए थे, ये आपको बोला था सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी सेंट्रल एशियन थ्योरी है, जो कि मैक्स मूलर की है, ठीक है। तो मैक्स मूलर जो थे, इन्होंने बहुत सारा कॉमन चीज़ देखा था, कहाँ पे, किसमें, तो जैन अवेस्टा और ऋग्वेदा में। जैन अवेस्टा जो है वो आपकी सेंट्रल एशिया की बुक है, और ऋग्वेदा आपकी इंडिया की बुक है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखी थी इन्होंने, जैसे जो गॉड्स थे कुछ, जैसे इंद्रा, वरुण, मित्रा, ये सारे गॉड ना उन्होंने जैन अवेस्टा में भी इनका नाम देखा था और ऋग्वेदा में भी। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि सेंट्रल एशियन थ्योरी है। इसके बाद हम आप के आते हैं तिलक की थ्योरी पे, दैट इज बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये आर्टिक रीजन से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा क्यों बोला कि ये आर्टिक रीजन से आए हैं, क्योंकि ऋग्वेदा में मेंशनड है कि डेज एंड नाइट ना 6 6 मंथ्स के हुआ करते थे, और हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके इस एरिया में और इस एरिया में ही, सॉरी, इस एरिया में और इस एरिया में ही हम देखेंगे कि 6 दिन का रात, अगर सन इधर है, ठीक है, तो यहाँ 6 मंथ्स का डे होगा, ठीक है, एंड एंड यहाँ 6 मंथ्स की नाइट होगी, ओके। तो इस थ्योरी के बेसिस पे बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये आर्टिक रीजन से आए थे। उसके बाद आपकी टिबेट थ्योरी, टिबेट थ्योरी आपकी दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद आपकी इंडियन थ्योरी है एक सप्त सिंधु रीजन की, कि ये लोग सप्त सिंधु रीजन के ही थे, यहीं से आए थे। तो ये आपके बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं ना, इंडियन हिस्टोरियंस, इन लोगों ने ही दी है। तो सप्त सिंधु रीजन कौन सा है आपका? तो सप्त सिंधु रीजन वो वाला रीजन है जिसको इंडस वैली और उसके जो सिविलाइजेशन है ना, वो ड्रेन करते हैं, मतलब 7 रिवर मिलके, सप्त सप्त मीन्स 7, तो 7 रिवर मिलके उसको ड्रेन करती है, जिसमें से सबसे पहला आपका इंडस हो गया। इंडस को ही सिंधु रिवर भी कहते हैं। उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी झेलम, झेलम को कहते हैं वतिस्ता, बीज, ब्यास, ब्यास को कहते हैं विपाशा, चिनाब, अस्किनी, रावी, पौरुषिनी, सतलज, सतुद्री, ठीक है। और ये और जो लास्ट सातवीं है वो सरस्वती है, नदी तारना कहते हैं इसको, मतलब ये सारे नाम ना ऋग्वेदा में मेंशनड हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है वो आपके ऋग्वेदा में मेंशनड हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसका मिलता है।
वो एंड्रो नोवो कल्चर में है, वो सदर्न साइबेरिया का। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, ठीक है, कि सप्त सिंधु रीजन के जो सेवन आपके रिवर्स थे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड से, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया, 1500 to 1000 BC के बीच आता है। इसमें ना लिटरेचर डिवाइडेड है ऐसे, अर्ली ऋग्वैदिक लिटरेचर, पहले लिटरेचर को देखेंगे कि वैदिक लिटरेचर जो है ना वो कैसे डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक लिटरेचर। तो जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है ना, तो वो उसका सारा एविडेंस ना हमें उसके बारे में जितना कुछ हमें पता चला वो सब हमें ऋग्वेदा से पता चला। वेदास आपके फोर होते हैं, ये तो आपको पता है ना, वेदास फोर होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद एंड यजुर्वेद। ये आपके चार वेदास होते हैं, ठीक। और लेटर वैदिक लिटरेचर में आपके क्या क्या आएंगे, तो हाँ, अर्ली वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स ऋग्वेदा, संहिता और अदर फैमिली बुक्स, ठीक है, जैसे विश्वामित्र, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, ये सब ने मिलके लिखा था, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड आपके बुक्स जैसे ऋग्वेदा के कुछ बुक्स जैसे 1, 8, 9, 10, ये सब जो ऋग्वेदा के बुक्स थे वो, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब आएंगे, और ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद। अब ये सब क्या होता है ये हम अभी आगे देख लेंगे कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कुछ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसका जो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है ना वो आपका क्या है, तो वो है आपका ऋग्वेदा, ठीक है। और ऋग्वेदा में जो भी चीज मेंशन्ड है ना, जो भी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके ऋग्वेदा से हमें पता चला है, ठीक है। जैसे ऋग्वेदा में माउंटेन्स के बारे में है, रिवर्स के बारे में है, इसके बाद बहुत सारे एरियाज भी जो हैं अभी उनके बारे में भी है। तो माउंटेन्स जैसे हिमवंत, हिमालय, कुमंजुवंत, हिंदू कुश माउंटेन हो गया, आपके 40 रिवर्स मेंशन है, जिसमें से गंगा का मेंशन एक बार है और यमुना का दो बार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे यहाँ भी गंगा बहती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कितनी बार मेंशन है, वैसे ये बहुत रेयर है कि आपसे इतना डीप क्वेश्चन पूछे कि गंगा कितनी बार मेंशन है ऋग्वेदा में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपके यहाँ से गंगा बह रही है तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा कितनी बार मेंशन है। तो वो ऋग्वेदा में गंगा एक बार मेंशन है और यमुना दो बार मेंशन है, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके टर्म्स हैं जो कि मेंशन्ड है, वो हम आगे देखेंगे। और एक चीज़ है इसमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें एक चीज़ है बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो जो आर्यंस थे ना वो पहले 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, जिनको पंचजना कहते हैं। तो ये आपके 5 ट्राइब्स क्या क्या थे, यदु ट्राइब, दुर्वासा ट्राइब, पुरु, अरु एंड ध्रुयु ट्राइब, ठीक है, ध्रुयु ट्राइब, यस। तो रूलिंग क्लैन कौन थे आपके, भारत और त्रिष्टु थे। तो जब बैटल ऑफ किंग्स 10 किंग्स जो है वो किसके बीच में होगा, तो वो भारत एक साइड, ठीक है, और दूसरे साइड में आपके 5 आर्यन जो इसको हम पंचजना कहते हैं, और 5 नॉन आर्यन चीफ्स, ये दोनों मिलकर, ये जो 10 चीफ्स हैं यहाँ और एक इधर भारत साइड में। और इसमें जीता कौन, तो भारत अकेला था, बट स्टिल भारत वॉन दिस बैटल ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद भारत और पुरु दोनों मिलकर, दोनों ने अलायंस बना लिया, ठीक है, और दोनों मिलके क्या बन गए, कुरु, भारत प्लस पुरु क्या बन गए, कुरु, ओके। और अपना रूल इन्होंने एस्टैब्लिश किया अपर गैंगेटिक वैली से, और इसी के बाद से आपके हम महाजनपदास वाला एरियाज देखेंगे कि कौन कौन सा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसके फीचर्स हम देखते हैं, हॉर्स एंड चैरियट, सोमा कल्ट, एनिमल सेक्रीफाइस, फायर कल्ट एंड फायर एल्टर, क्रिमेशन, मेल डोमिनेंस, ये सब तो अब इसके फीचर्स हैं। आप एक बार वेदा देख लो क्या है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको बस ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वेद जो है सबसे पहले इसको अपार वेद और पार वेद में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो अपार वेद है ना वो आपकी मटेरियलिस्टिक नॉलेज है जो हमें बुक पढ़ के मिल जाएगा, और पार विद्या इज हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है।
तो अपार विद्या सेकुलर और सेक्रेट दोनों होता है। सेक्रेट में आपकी श्रुति और स्मृति आती है। श्रुति जो है आपकी, जैसे श्रुति में आपके चार वेदास आएंगे, ठीक है, फोर वेदास जो हैं वो आपके श्रुति में आएगा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इसी को वेदात्री भी कहते हैं। ये जो है ना, ये तीन को वेदात्री भी कहते हैं। एंड इसके बाद ये जो चार वेदा है ना, ये आपके कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों मार्ग की तरफ ले जाते हैं। तो कर्म मार्ग अगर है तो ब्राह्मणा और संहिता आता है, और ज्ञान मार्ग में अर्यंका और उपनिषद आते हैं। अब स्मृति में क्या आएगा? स्मृति में उपवेदा, वेदांगा, पुराण, महाकाव्यास, ये सब आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मृति देखते हैं। स्मृति आपकी क्या है? इधर श्रुति थी, इधर स्मृति थी ना, तो इसमें छह फेमस स्मृतिज हैं। मनुस्मृति, यजनावाल्क्या, नारद स्मृति, बृहद स्मृति, कल्याण स्मृति और पराशरा स्मृति। ये एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा को कहते हैं बुक ऑफ हाइम्स, ठीक है। और ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं। आप कुछ भी भूल जाओ बट ये मत भूलना कि ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं एंड 10 मंडल हैं। अब इन 10 मंडल में देखो, वो जो 1 to 10 जो हैं वो लॉन्गेस्ट हैं, और इसी में आपका पुरुष सूक्त भी आता है। और 2nd to 7th जो है ये आपके फैमिली बुक्स हैं और ये ओल्डेस्ट हैं। और थर्ड बिलोंग्स टू, मतलब थर्ड में गायत्री मंत्र डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। एंड 10th जो है वो कास्ट सिस्टम भी बताता है। और ये जो ऋग्वेदा है ना, इसको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ लिटरेचर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो मैंने बोला था ना, ऋग्वेदा में गंगा 1 टाइम, यमुना 2 टाइम, आर्या जो वर्ड है वो 36 टाइम्स यूज है। इसमें और भी वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे अश्वाजना, विषगण, यही सब है ना। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा जो है इसका एक उपवेदा होगा आपका, ये देख लो। उपवेदा क्या होगा इसका? आयुर्वेद। नाउ इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद है आपका बुक ऑफ सेक्रीफाइसल प्रेयर, ठीक है। जो प्रेयर्स होते हैं वो उसकी बुक है ये। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, उसमें मंत्रास, प्रोज, ये सब हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ मंत्रास हैं। इसके बाद हम आते हैं सामवेद है। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स या सॉन्ग्स कहते हैं। इसमें 1810 मेलेडीज हैं और इसको ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं। इसमें वीणा की मेंशन की हुई है, और उपवेदा इनका गांधर्व वेदा है। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेदा। अथर्ववेदा को बुक ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स कहते हैं। स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स कहते हैं, जैसे जो काला जादू, टोना टोटका, और या फिर ये ऐसे ऐसे जो चार्म्स होते हैं ना, ताकि बुरी स्पिरिट्स जो होते हैं, मतलब बुरी शक्तियों को दूर कर सकें, या फिर कोई डिजीज है तो उससे कैसे दूर करना है, ये सब इसमें मेंशनड है। और इसको अथर्वान और अंगिरा इन दोनों ने मिल के कंपोज किया था, ठीक है। किसने किसने किया था? तो इसको अथर्वान और अंगिरा इन दोनों ने मिल के किया था। और इसको ना नॉन आर्यन वर्क कंसीडर करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा मतलब बोलते हैं कि ये नॉन आर्यन वर्क है। इसमें 20 बुक्स हैं आपके, 711 हाइम्स है, ओके। और चार टाइप की डिजीज के बारे में इस बुक में आपको बोला गया है, जैसे क्रीमी, दोषा, विचक्राफ्ट और हेरिडिटरी। क्रीमी क्या है आपका? तो जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है ना, जैसे क्रीमी होता है ना, क्रीमी एकदम माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं ना, उसे क्रीमी कहते हैं। तो अभी जैसे आपका कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो वो वायरल डिजीज है ना, तो वैसे ही बैक्टीरियल वायरल जो डिजीज थे उसको इन्होंने क्रीमी की कैटेगरी में डाला था। फिर दोषा, दोष में ये तीन चीज होती थी कि कितने भी, जितने भी ये जो इस कैटेगरी में जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको वात, पित्त, कफ, इनके कारण होगा। देन विचक्राफ्ट जो ब्लैक मैजिक करके हो गया है, या फिर हेरिडेटरी जो है वो अलग कैटेगराइज्ड है। उसके बाद आपका वेदांगा। वेदांगा क्या होता है? वेदांगा होता है आपका लिम्स ऑफ वेदास। तो ये आपके क्या हैं? तो छह हैं आपके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। जो शिक्षा है दैट मींस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मंत्रास,
तो ये मतलब शिक्षा आपको होनी चाहिए कि कैसे आपको मंत्र जो है वो प्रोनंसिएट करना। पहले तो ये होता था ना, पहले तो आपको ये ABCD नहीं पढ़ाया जाता था। पहले क्या पढ़ाया जाता था, पहले मंत्रास पढ़ाए जाते थे, महाकाव्यास पढ़ाए जाते थे। तो ये पढ़ना आना चाहिए आपको, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन सिखाते थे, तो वही आपका शिक्षा है। उसके बाद आप कल्प, कल्प क्या है, आपके रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करते हो ना, जैसे जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे शादी वादी में भी रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं, तो वैसे वाले जो रिचुअल्स है ना, उसी में आपके इसी रिचुअल, ये जो कल्प है ना, ये आपका रिचुअल्स है, ठीक है। और इसी में आप क्या आते हैं, 16 संस्कार्स। उसके बाद आपका व्याकरण, व्याकरण ग्रामर हो गया आपका। तो आप एग्जाम्पल दे दो, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, या क्या है ये आपकी ग्रामर की बुक है। उसके बाद निरुक्ता, निरुक्ता क्या है, आपको एटिमोलॉजी कहते हैं निरुक्ता को, ठीक है। मैं लिख देती हूँ आपको, इसका मतलब होता है कि जो भी मंत्राज है उसकी ओरिजिन कहाँ से है, उसकी मीनिंग क्या है। छंद, छंद जो बोले जाते हैं ना, कुछ कुछ छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे आपके गायत्री मंत्रास, गायत्री मंत्रास 3 पैराग्राफ के हैं, तो उसको छंद कहते हैं। एंड ज्योतिष, ज्योतिष आपका एस्ट्रोलॉजी, अब इसी में हम पुराण देख लेते हैं। तो हमारे जो 18 पुराण हैं, आपको पता होगा 18 पुराण हैं, वो चार जो हमारे युग है ना, उसको मतलब उसी से रिलेटेड है। जैसे सतयुग हो गया, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन्हीं सब का। और पुराण जो है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक सर्ग एक प्रतिसर्ग। सर्ग क्या होता है कि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ है, एंड प्रतिसर्ग क्या है कि उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, या वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। जैसे बोला जाता है ना कि सारे जो युग होते हैं ना, वो एक एक बार होते हैं, ठीक है। मतलब पहले अगर एक युग डिस्ट्रॉय होगा, फिर दूसरा युग आएगा, फिर वो डिस्ट्रॉय होगा, तीसरा युग आएगा, तो ऐसे ही सारे युग जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर वो क्रिएट होता है, और यही चलता जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके क्या क्या पुराण्स हो गए हैं, 18 पुराण्स जो हैं, वो आपका ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण, लिंगा पुराण, शिवा पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मणा पुराण और हरिवामशा पुराण। ये आपके 18 पुराण हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है, जिसमें से कि 13 मेन उपनिषद हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है कि आप अपने गुरु के बगल में बैठ के जो नॉलेज गेन कर रहे हो ना, उसी को उपनिषद कहते हैं। तो इसमें से जैसे आत्मा और ब्राह्मण, इन दोनों पे ही ये ड्वेल करता है। तो इसमें जैसे कुछ इम्पोर्टेंट आप देख लो, मांडुक्य ये स्मॉलेस्ट है। चांदोग्या में हम अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अहिंसा, अहिंसा आप बुद्धिज्म में भी पढ़ोगे, जैनिज्म में भी पढ़ोगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी भी अहिंसा के बारे में बहुत बोलते हैं। गांधी जी एक वीपन ही यूज करते हैं अहिंसा को। उसके बाद बृहद आर्यंका में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स के बारे में है। मुंडका उपनिषद, सत्यमेव जयते, UPSC में एक बार क्वेश्चन भी आई थी कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से ली गई है, तो वो है मुंडका उपनिषद। देन स्कंद उपनिषद में गॉड एंड गॉडेसेस, गॉडेस के बारे में बताया गया है। मैत्रेयानी में त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति आपके क्या हैं, ये हैं आपके कौन, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ये आपकी किसमें मेंशन है, तो मैत्रेयानी में। अब आपके संस्कार, तो 16 संस्कार होते हैं। मैरिज, मैरिज आपकी दो टाइप की होती है, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह कब होता है, जब आपका जो ग्रूम होता है ना, जो मतलब दूल्हा होता है, वो हायर कास्ट का हो, ठीक है, और जो ब्राइड होती है वो लोअर कास्ट की हो, तो वो अनुलोम विवाह होता है। एंड प्रतिलोम विवाह क्या होता है, तो जब आपका ग्रूम जो है वो लोअर कास्ट का हो और जो आपकी ब्राइड होगी वो हायर कास्ट की होगी, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। और वेदांता क्या है आपका, तो वेदांता है एंड ऑफ वेदास, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये क्लास अभी यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और
जो वैदिक मतलब ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड है, इसका हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ये सब लाइफ जो है ना हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में, क्योंकि हमें ये चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो हमें इस कोर्स को थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और वो सारे टॉपिक्स आपका आई थिंक कि प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जब मे बी आप आंसर राइटिंग करोगे मेंस के लिए तो वो सारे टॉपिक्स आपको एज इम्पॉर्टेंट फील होंगे कि कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ऋग्वैदिक पीरियड की कैसी लाइफ थी और लेटर वैदिक पीरियड की कैसी लाइफ थी, तो ये हम तब देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके महाजनपदा से, उसके बाद हम बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब देखेंगे, उसके बाद आपकी मगध डायनेस्टी आएगी, फिर मौर्यंस आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।